हेलो गाइज एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं एक इलेक्ट्रिक स्कूटी का जो कि काफ़ी लोगों को पसंद आ रही है, जिसका नाम है चेतक। सो गाइज, जैसे कि आप देख सकते हैं, यह है चेतक की ब्लैक कलर में इलेक्ट्रिक स्कूटर। काफ़ी अच्छा सामने इसका लुक दिखता है। इसकी हम पहले पूरी इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं, तो आइए। सो यहाँ पे शोरूम में हमें एक टैब मिल जाता है जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन बताई गई है इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में। सो इसके अंदर दो मॉडल्स आ जाते हैं, एक प्रीमियम और एक अर्बन। अर्बन के अंदर हमें साइट्रस रश कलर मिलता है और एक दूसरा कलर है, वो है साइबर वाइट। और प्रीमियम के अंदर हमें ये चार कलर्स मिल जाते हैं। पहला है प्रीमियम इंडिगो ब्लू, दूसरा है ये वेलिटो रोसो रेड, और तीसरा है ये ब्रुकलिन ब्लैक, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और चौथा है हेज़लनट। तो ये चार कलर हमें प्रीमियम में मिल जाते हैं और वो दो कलर हमें अर्बन में मिल जाते हैं। सो गाइस, ये यहाँ पे हम इसकी की देख सकते हैं, कुछ ऐसी दिखती है। काफ़ी यूनिक डिज़ाइन है की का, और ये एक एक्स्ट्रा मिल जाती है हमें। इसके अंदर हमें एलईडी लाइट्स मिल जाते हैं जो कि इंडिकेटर लाइट्स है। देन अभी इस गाड़ी के बारे में हम बात करते हैं। सो इसे अनलॉक करने के लिए यहाँ पे स्विच दिया गया है। यहाँ पे इसे हम स्टार्ट करते हैं। तो कुछ ऐसी ये स्टार्ट होती है। इसके अंदर हमें अच्छे खासे मोड्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे रिवर्स, देन ड्राइव, देन यहाँ पे इंडिकेटर है राइट साइड का, देन यहाँ से हम सामने का बूट ओपन कर सकते हैं। इसके अंदर भी हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्टोरेज स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे USB चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। देन यहाँ पे फर्स्ट एड किट भी दिया गया है हमें। देन यहाँ से ही हम इसकी बूट भी अनलॉक कर सकते हैं। इसका बूट स्टोरेज भी काफ़ी अच्छा दिया गया है। इसके अंदर इसका चार्जर है, देन फर्स्ट एड किट, यहाँ पे हमें लाइट भी मिल जाता है, और यहाँ पे चार्ज करने के लिए यहाँ पे सॉकेट दिया गया है गाड़ी को। यहाँ पे सिटिंग स्पेस भी काफ़ी अच्छा दिया गया है, दो जन आराम से बैठ सकते हैं यहाँ पे। सामने हमें लेग स्पेस भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। सो यहाँ पे हमें मोड भी मिल जाता है, जिससे कि हम यहाँ पे ट्रिप, देन SOC मतलब चार्जिंग कितनी है वो देख सकते हैं। देन ओडोमीटर भी यहाँ पे हमें मिल जाता है, और यहाँ पे हमें रेंज भी देखने को मिल जाती है, जो कि अभी 84 किलोमीटर बता रहा है। इसकी नॉर्मल जो इको मोड पे वो 90 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है, और स्पोर्ट्स मोड पे हमें 80 किलोमीटर की रेंज देखने को मिलती है। देन यहाँ पे हमें स्पीडोमीटर मिल जाता है, यहाँ पे क्लॉक मिल जाती है, यहाँ पे बैटरी कैपेसिटी के लिए ये इंडिकेटर है जिसका ग्राफिक्स काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे न्यूट्रल भी हमें देखने को मिल जाता है, और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की टॉप स्पीड है 63 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे भी हमें चेतक का लोगो मिल जाता है। देन ये हैंडल्स की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, यहाँ पे भी हमें लोगो देखने को मिल जाता है। देन इसे हम अगर दो बार टैप करेंगे तो ऑफ हो जाएगी गाड़ी, तो ऑफ हो गई है गाड़ी। सो गाइस, इसका जो बूट स्पेस है वो 18 लीटर का हमें मिल जाता है, और सामने हमें 4 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। देन यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये साइड में हमें अपर डिपर मिल जाता है। देन यहाँ पे पॉज प्ले जो ये इस डिस्प्ले है इसके लिए, देन यहाँ पे हॉर्न, और ये इंडिकेटर का स्विच। इसकी स्विच क्वालिटी काफ़ी अच्छी दी गई है। यहाँ पे आप मिरर देख सकते हैं, इसका डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है। सो गाइस, यहाँ पे आप लाइट देख सकते हैं, LED लाइट है, काफ़ी अच्छा ब्राइटनेस मिल जाता है इसके अंदर। यहाँ पे बीच में आप लोगो भी देख सकते हैं, ये अंदर वाला लाइट है, तब इसकी ब्राइटनेस कम हो जाती है, और जब वो ऑफ हो जाता है तब ये फुल ब्राइटनेस पे वर्क करता है। देन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सिल्वर कलर की डिटेलिंग मिल जाती है हमें, शाइन काफ़ी अच्छी है।
यहाँ पे भी सामने हमें सिल्वर डिटेलिंग मिल जाती है, 6 तक का सिंबल यहाँ पे मिल जाता है। और अभी हम नीचे की बात करें तो यहाँ पे हमें 90x90 के ट्यूबलेस टायर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे हमें डिस्क ब्रेक मिल जाता है फ्रंट में, तो ये डिस्क ब्रेक्स हमें सिर्फ प्रीमियम मॉडल्स में मिलते हैं। अर्बन मॉडल्स में हमें यहाँ पे भी ड्रम ब्रेक्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हमें सस्पेंशन भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। इसकी बॉडी डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छी है, ये हमें मेटल का मिल जाता है। देन बात करते हैं फुट रेस्ट की, तो यहाँ पे फुट रेस्ट भी काफ़ी अच्छे क्वालिटी का हमें मिल जाता है। यहाँ पे भी हमें काफ़ी अच्छे क्वालिटी का मिल जाता है ये। अब रेयर के टायर की बात करें तो वो भी हमें सेम साइज़ में मिल जाता है। इसके अंदर हमें ड्रम ब्रेक्स मिल जाते हैं, और जो सब गाड़ियों में सस्पेंशन होता है रेयर में, वो भी यहाँ पे हमें मिल जाता है। देन रेयर के इसके लाइट्स भी काफ़ी अच्छे दिखते हैं और यूनिक है। इसके इंडिकेटर्स भी हम LED ही देख सकते हैं यहाँ पे। देन पीछे भी हमें 6 तक का एम्बॉसिंग देखने को मिल जाता है। यहाँ पे भी ये फिनिश भी काफ़ी अच्छी दी गई है सिल्वर कलर में। देन यहाँ पे ब्लैक ग्लॉस फिनिश मिल जाती है। ये ग्रैब रिल भी काफ़ी अच्छी दी गई है। देन यहाँ पे अलॉय भी काफ़ी यूनिक डिज़ाइन का मिल जाता है हमें। सो गाइस, इसके अंदर हमें लिथियम आयन बैटरी मिल जाती है, जो कि 50 वोल्ट और 57 एम्पियर की। और इसका जो पावर सोर्स है वो 220 वोल्ट्स, 5 एम्पियर और 50 हर्ट्ज का हमें एसी सप्लाई मिल जाता है। और गाइस, इस गाड़ी की एक शोरूम प्राइस 1,20,000 है, और इसके अगर हम औरंगाबाद महाराष्ट्र में ऑन रोड प्राइस की बात करें तो वो लगभग 1,32,000 तक जाती है। सो गाइस, अभी हमने इसके सारे स्पेसिफिकेशंस जान लिए हैं, अभी हम इसके टेस्ट ड्राइव लेके देखते हैं कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको कुछ डाउट है इस गाड़ी के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वन।